अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। मम्मा बोला क्या कर रही हो? मैं ना मालदीव्स में बीच पे बैठ के पीना कोलाड़ा पी रही हूँ। मम्मा क्या है प्राजू, जल्दी बोल। मम्मा मम्मा क्या कर रही? पैसा चाहिए तेरे को? नहीं मिलेगा। नहीं चाहिए पैसे, मुझे एडवाइस चाहिए आपसे कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा? ये कहानी मैंने तेरे को बताई है क्या? हमारे गांव में ना एक गाय है। हाँ तो वो गाय तबेले में रहती है। तो उसका क्या मम्मा, पॉइंट पे आओ ना। पॉइंट ये है कि उसका तबेला भी तेरे कमरे से साफ है। हाँ क्या करना चाहिए? झाड़ू उठा, कमरा साफ कर। क्या करना चाहिए? क्या यार मम्मा, मैं बहुत परेशान हूँ। लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्यूचर कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइफ के बारे में तू सोचती क्या है? हाँ सारा टाइम सोती रहती है ढींगा पसर के, और जितना टाइम बचा है उसमें तुम्हारा नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो और हॉटस्टार काय थे सग। अच्छा ठीक है चल, अभी ऐसा चेहरा लटका के मत खड़ी रहे, जैसे वसीयत से तेरा नाम ही हटा दिया है। मैं हेल्प करती हूँ, लेकिन तेरे पे डिपेंड करता है कि मैं जितना बोलती हूँ उसमें से तू कितना करती है। अरे पक्का पूरा सब कुछ करूंगी जो आप बोलोगे, बस बताओ। बहुत स्ट्रेस है लाइफ में। राजू सबसे पहले तो ना अपना स्लीप साइकिल ठीक करा। ये कभी भी सोने का, कभी भी उठने का, आज तक कभी गुड मॉर्निंग तेरा गुड आफ्टरनून से पहले हुआ है? हाँ ऐसा कैसे चलेगा? उठने के बाद पब्लिक सूर्य को नमस्कार करती है, तू उठते ही व्हाट्सएप और इंस्टा चालू करती है। आई नो ये थोड़ा स्क्रीन टाइम सुबह सुबह थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, कंट्रोल करना पड़ेगा। बट मम्मा मुझे करियर रिलेटेड हेल्प चाहिए, इन जनरल लाइफस्टाइल वाली हेल्प नहीं चाहिए। अभी ये इन जनरल लाइफ का ही तू हलवा बना के रखेगी तो करियर कैसे ठीक होगा? हाँ रात भर जग के वो टूटे हुए दिल की शायरी डालती रहती है इंस्टाग्राम पे। तेरे एक्स ने तेरे को ब्लॉक किया है प्राजू, तू क्यों ट्राई करती है? आपको कैसे पता? उसने बताया मेरे को, कल लंच पे आया था। व्हाट मैं कहाँ थी? प्राजू तू होती तो उसके लिए ऑकवर्ड नहीं होता क्या? हाँ ठीक है आप चिल करो उसके साथ, लेकिन मुझे एडवाइस दो। देख उसके बारे में ना सोचना बंद कर। तू ये जो उसको 18-18 बार फोन करती है ना दिन में, हमारे लिए बहुत एम्बेरसिंग हो गया है। करियर एडवाइस? उसको जरूरत नहीं है करियर एडवाइस की। व्हाट? उसको पायलट का जॉब लग गया, वो मस्त उड़ रहा है अपने करियर में। हाँ मस्के जैसे चल रहा है करियर उसका। जिसकी भी उसके साथ शादी होगी ना, वो लड़की कितनी लकी है बाबा। मम्मा मेरा करियर? ओ तेरा करियर, अच्छा अच्छा अच्छा। सुन लाइफ में अगर ऐसा कोई काम हो ना जो तुझे करना पसंद, काम तुझे पसंद, ये तीनों एक लाइन एक लाइन में हंसी आया। क्या यार मम्मा, सॉरी हाँ कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन देख प्राजू अगर तेरे को कोई भी काम पसंद रहेगा ना तो फटाफट कर देने का, उसको अपना पैशन बना डालने का। लेकिन पैशन भी मतलब ऐसा वाला पैशन नहीं है जो ये आजकल सबका होता है कि मम्मा मैं डांस सिखाएगी, मम्मा मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाएगी, मैं फोटोग्राफर बनेगी, मैं राइटर बनेगी, ये सब जिस पैशन से भूख भरता है ना वैसा पैशन। देखो ये तुझे सोना पसंद है ना? हाँ मतलब मुझे सोना पसंद है। तू एक काम कर, तू ना मैट्रेस टेस्टिंग का काम शुरू कर दे, फिर तू पूरा दिन सो सकती है। हाँ उसका पैसा भी मिलेगा तुझे। ऐसा जॉब होता है? तो हर बार तेरा प्रीपेड रिचार्ज भरने को मैं और बाबा नहीं रहेंगे इधर। या फिर MBA कर ले। हाँ शादी के बारे में सोच ले, पैशन के साथ शादी करेगी ना तो बहुत खुश रहेगी। वो मेहता साहब के बेटे ने भी MBA किया ना, UK गया है वो। देख लाइफ में एकदम ज्यादा स्ट्रेस वगैरह तू लेगी ना तो तू पागल हो जाएगी। बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लेगी ना तो भी पागल ही लगेगी। ये मोंटू को देख। हाँ ये तो सही है। चलो कम से कम मोंटू को देख के ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ एटलीस्ट इतनी खराब नहीं है। मम्मा मैं शेफ बन जाऊँ? हाँ देख अभी कैसे बात किया। तू शेफ बनेगी तो तू कुकिंग करेगी ना, कुकिंग से माइंड रिफ्रेश होता है, स्ट्रेस किल होता है और ससुराल वाले भी खुश होते हैं। मम्मा प्लीज ये शादी.com वाली बातें मत करो। बेटा शादी.com नहीं करेगी तो तेरा बर्बादी.com हो जाएगा, उसके बाद तेरा आबादी.com हो ही नहीं पाएगा। और जिस तरह से तेरा करियर चल रहा है कबाड़ी.com तो फिक्स है। और MBA नहीं करेगी तो रहेगी अनाड़ी.com। आओ गुड वन। हाँ मैं DJ बन जाऊँ? बन ना,
अभी तेरी उम्र ही क्या है, 28 साल की हो गई है, पार्टी कर, मस्त मजा कर, म्यूजिक वगैरह बजा, लेकिन 9 बजे घर पे आ जाने का। 9 बजे तक वापस आ जा, मतलब मैं सिंड्रेला हूँ क्या? नहीं बेटा, सिंड्रेला तो घर का काम करती थी ना, इसलिए उसको भी 12 बजे तक परमिशन था। मम्मा मैं क्रिटिक बन जाऊँ? राजू, जैसे हर बंदे के पास स्मार्टफोन आने के बाद उसको लगता है कि वो फोटोग्राफर है ना, मतलब ऐसा वाटरमार्क वगैरह डाल के इंस्टाग्राम पे फोटो डालते, वैसा नेटफ्लिक्स का एक ही वो मिसमैच्ड बार 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 देखने को पैशन नहीं, सेल्फ ऑब्सेशन बोलते, क्रिटिक नहीं बन सकते हैं, बाकी भी देखना पड़ता है। हाँ वो भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे कोई नई हॉबीज भी ट्राई करनी चाहिए। क्या ट्राई करूँ? इंस्टेड ऑफ नेटफ्लिक्स एंड चिल, हाउ अबाउट नेटफ्लिक्स एंड क्लीन, मतलब नेटफ्लिक्स देखते देखते टीवी साफ कर देने का। अच्छी हॉबी है ये, ट्राई कर। ओ ये हॉबी है? अगर ये हॉबी है तो आप भी मास्टर शेफ हो, और आप आज रात को भूखे हो। सॉरी कंट्रोल नहीं हुआ। देख प्राजू, लाइफ में आगे बढ़ना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। हाँ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम आते ही तू ऐसे भागती है जैसे तेरे काका होटल में बिल आते ही वॉशरूम भागते हैं। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? अरे बट करियर का क्या करूँ? करियर का ना तू एक काम कर, अचार डाल दे। मेरे को बहुत टाइम से ये जोक मारना था प्राजू। आपके ये जोक ना सिर्फ बाबा और मोंटू को पसंद आते हैं, मुझे नहीं। करियर ठीक हो जाएगा रे, तू रेगुलर लाइफ में ठीक तो हो जा। हा? सब कुछ अपना एकदम स्ट्रीमलाइन कर दे, एमबीए कर ले। मैं बोल रही हूँ, वो मेहता बेटे ने एमबीए किया यूके में, वो उनका बेटा यूके में। और मिसेज मेहता बोल रही थी कि उत्तराखंड में ना वेदर भी एकदम मस्त है, तू उधर चल जा, तेरे को वैसे भी बहुत पसीना आता है। ये सब छोड़ो मम्मा, शुरुआत से शुरू करते ना, बेबी स्टेप्स। मुझे बताओ मैं सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करूँ? अभी 28 साल की तू हो गई, मतलब मजा मस्ती वगैरह सब कर लिया, टाइम स्पेंड कर लिया, दोस्तों के साथ घूम लिया, गोवा का प्लान बना लिया, वो गए नहीं वो बाद में। नौकरी तेरी चल रही है ठीक है, अपना खर्चा निकाल पा रही है ठीक है, मेरे और बाबा को इतना भी अभी परेशान तो करती नहीं है जितना पहले करती है, तो करियर भी तेरा आ जाएगा। लेकिन वो करने के लिए सबसे पहला स्टेप तेरे को उठाना पड़ेगा। रूम साफ कर अभी के अभी, शाम को सीमा मौसी आ रही है, साफ कर, बाद में करियर बनाना। ओके, सो दिस वॉज अ वेरी कैजुअल मदर डॉटर कॉन्वर्जेशन इन द कोरी हाउस होल्ड। आई एम नॉट इवन किडिंग जब मैं बोलूँ कि मैं कितनी बार मम्मा के पास जाती हूँ कि माँ व्हाट डू थिंक अबाउट दिस, एंड आई ऑलवेज गेट द मोस्ट अमेजिंग एडवाइस, लेकिन उससे पहले कम से कम 2 या 3 मिनट प्रारिता का मजाक उड़ेगा। एंड माई मम हैज लाइक माई मम बट ऑल्सो लाइक माई मॉम हैज एन इम्पेकेबल सेंस ऑफ ह्यूमर, सो आई ऑलवेज लेट माई सेल्फ गेट रोस्टेड एंड देन आई यूज इट फॉर कॉन्टेंट every now and then. But hey, what did you think of this video? After watching this video, did you feel like you should get your life together? Because you should, you know, it's high time, friend. You can begin with subscribing to my channel and also trying my merch, which is not this. You can go to mostlysane.themerchbay.com and see what you like, get it, try it, post a picture, tag me on Instagram so I can see it. I'm gonna go now. I'll see you again on Saturday. Don't forget, I come up with new videos every Tuesday, Thursday, and that's right, Saturday until we meet.